तो गाइस हम लोग लेट हो चुके हैं क्योंकि देखिए हॉस्पिटल जो है पूरा खाली है, डॉक्टर उठ चुके हैं, अब बैठेंगे 7 बजे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रकाश पिंकी ब्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं, आपकी भाभी को फिर से पैर में दर्द हो चुका है क्योंकि वो ठीक नहीं हुआ है। कितना दिन हो चुका है अभी तक? लगभग 1 महीना होने जा रहा है गाइस। मेरा पैर अभी तक इनका पैर फिर से ठीक नहीं हुआ है, तो अभी मतलब दर्द दे ही रहा है। तो हम लोग गए थे गांधीनगर सोटवाने के लिए, लेकिन भी मतलब वो आंटी है ना जो अभी चली गई है गांव अपने, तो उसकी वजह से हम लोग अभी गांधीनगर नहीं जा पा रहे सोटवाने के लिए। तो हम सोचे क्यों ना डॉक्टर ही को ही दिखा दे, क्योंकि उनको दिखाए हैं तो मतलब क्यों नहीं ठीक हो रहा है, दवाई चेंज करेंगे या क्या करेंगे। तो और इधर चीनी भी तैयार हो गई है, आप देखिए कैसे देख रही है आप लोग को। चलो बेटू रेडी हो गई ना। अब हम लोग चलते हैं क्योंकि मौसम भी गड़बड़ हो रहा है, बारिश भी हो सकती है, डॉक्टर भी उठ सकते हैं, इसीलिए हम लोग जल्दी नहीं चलते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि फिर वो 7 बजे से बैठेंगे, 9 बजे तक, अभी कितने बजे तक बैठेंगे पता नहीं। तो अभी हम लोग चलते हैं डॉक्टर के दिखाने के लिए, आई होप कि हम लोग डॉक्टर से मिल पाए। तो चलिए जल्दी चलते हैं। इधर देखिए चेरी आप लोग कैसे देख रही है, मुझे भी देख रही है, गौर से क्या हो रहा है। चले। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए हैं और अभी हो रहा है शाम, बहुत ही अच्छा मौसम है अभी। तो चेरी भी उठ गई है, देखते हैं आ रही है ना बिल्कुल। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं काके, और हम लोग को जाना है काके ब्लॉक, क्योंकि जो डॉक्टर है जिनसे हम लोग दिखला रहे हैं वो काके ब्लॉक में बैठते हैं, वहीं के डॉक्टर है, हड्डी स्पेशलिस्ट है, तो उनके पास ही हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग और इधर गाइस इतना ज़्यादा आजकल ट्रैफिक हो गया है ना कि कुछ कहने ही नहीं, रोड इतना जाम रहता है ना कि कुछ कहने ही नहीं, मतलब 5 मिनट में पहुँचने वाली जगह 10 मिनट में हम लोग पहुँचते हैं। और अभी जा रहे हैं, देखते हैं डॉक्टर बैठे हुए हैं कि है कि नहीं। हम लोग कॉल किए थे तो बोले थे कि डॉक्टर बैठे हुए हैं, बट हम लोग 1 घंटा लेट जा रहे हैं, 1 घंटा पहले ही कॉल किए थे। तो अभी जाके देखते हैं डॉक्टर बैठे हुए हैं कि नहीं, बैठे हुए हैं देख रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अगर उठ गए होंगे तो फिर 7 बजे बैठेंगे, 7 से 9 देखेंगे। तो अभी देखते हैं जा कर के। हमेशा जाम रहता है। हाँ, इधर हमेशा ही जाम रहता है। तो चौक है ना, इतना बड़ा बड़ा घर बन गया, फ्लैट्स बन गया है इधर, ये चौक चौराहा है, तो फिर जाम तो रहेगा ही। तो गाइस हम लोग लेट हो चुके हैं क्योंकि देखिए हॉस्पिटल जो है पूरा खाली है, डॉक्टर उठ चुके हैं, अब बैठेंगे 7 बजे। अब क्या करना है, क्या करेंगे, वेट करते कहीं चले, चलते कहीं चलते हैं घूमने के लिए, घूमने इधर ही चलते हैं ना, टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं, तो और टाइम नहीं मिलेगा फिर, ठीक है चलिए। तो गाइस अभी हम लोग का प्लान चेंज हो गया है, अभी डॉक्टर नहीं आया है, 7 बजे आएंगे, तो तब तक हम लोग जाते हैं कहीं कहीं भटकते हैं, किधर जाके भटकेंगे। 7 बजे आएंगे। हाँ, तो अभी हम लोग जाते हैं, भटक के आते हैं कहीं, आत्मा के तरह घूमते हैं, भटकती आत्मा टूटा हुआ पैर के साथ में भटकती आत्मा बनेंगे और जाते हैं। तभी चलते हैं आगे, उस पर दिखाएंगे यहाँ से। तब लोग निकल गए हैं। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं काके CIP, तो रांची झारखंड में यहाँ का फेमस है काके, काके पागलखाना CIP। तो यहाँ पे जो है वो नशा मुक्ति केंद्र है, पागलखाना यहाँ का फेमस है, तो वो देखिए। और इधर से हम लोग अभी जा रहे हैं आगे। तो गाइज इतना गर्मी में भी इनको चाय पीना है, तो चाय बनवा रहे, चाय पीने के लिए अभी हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि गाइज हम लोग हैं चाय लवर। चाय लवर लोग गर्मी ठंडा बरसात कभी कुछ नहीं देखता है, जहाँ चाय वाला दिख गया रुक के चाय पी लेता है ना। हाँ, थोड़ा थकान भी लग रहा है गाइस, तो थोड़ा सोचे चाय पीने के तो थोड़ा बढ़िया लगेगा, तो चाय पीने के लिए हम लोग रुके हैं यहाँ पे। फ्रेश हो जाता है, लेकिन सर कॉफी तो मिलने वाली है, करना पड़ेगा फेरी उठ रही है, फिर सो जा रही है, ये उठ गई है। ठंडा है, गर्म है,
गरम गरम चाय। बाप रे, बाबू को लेके कैसी पियेंगे? पी के बताइए आप कैसा लगा, फीडबैक दीजिए। हाँ, तो चाय की चुस्की धीरे धीरे लेते हुए क्या हुआ? देरी उठ गई है, आनंद आ गया। अरे बेटू भी उठ गई है। अरे कहाँ जा रही है बेटू? नानी से मिलने जा रही है। मेरा चाय खत्म भी हो गया, कोई तो आपका चाय ही नहीं खत्म हुआ है। ऐसे कौन चाय पीता है? चाय का मजा है। क्या मतलब कैका बूंद पीने का? जब तक चुस्की ले लेके चाय नहीं पीते ना, तो चाय लेने का मजा ही नहीं। ऐसा कौन चाय पीता है? एक बार में पी के खत्म करो, साइड करो। आप पानी के सब पी गए एक ही बार में, बताइए ऐसा कौन चाय पीता है यार? तो ऐसे तो हम लोग पीने के लिए आए थे चाय अंकल के दुकान में, जो कि काके चौक पड़ता है ना, काके चौक हनुमान मंदिर के जस्ट अपोजिट में है। अंकल का चाय तो टेस्टी लगा। कौन सा टाइम पे लगाते हैं अंकल आप चाय दुकान स्टॉल? 6 बजे से रात का 3 से 9 तक लगाते हैं, मतलब दिन भर मतलब दुकान ही में रहते हैं अपना। तो आपको कैसा लगा यहाँ का चाय? माइंड फ्रेश हो गया। हम लोग को चाय पीते पीते याद आ गए, हम लोग जा रहे हैं अभी अपने बड़े पापा को देखने के लिए। काके उनके लिए हम लोग खराब है, बहुत दिन से जाएंगे मिलने बट नहीं जा पा रहे, तो अभी आए थे तो हम लोग मिल लेते हैं। तो पहले पहले कुछ फ्रूट ले लेते हैं, है ना? बड़े पापा के लिए बाद हम लोग जाएंगे, हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। बाद में डॉक्टर बैठेंगे, मतलब हम लोगों को डॉक्टर को भी दिखाने के लिए उठाना ना होगा, तो बड़े पापा से हम कभी मिल लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे डॉक्टर के पास। कैसा लगा है? टेस्टी है, ले लेते ना। 20 रुपये पाओ, कितना लेना है? देखिए ना जितना लेना है आप के जी ले लीजिए। अपने रास्ता ये देखिए गाइस, तो हम लोग कितना ही खूबसूरत जगह में आए, ये देखिए। और शाम का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। तो गाइस फाइनली हम लोग ग्राउंड को चीरते फाड़ते पहुंच रहे हैं बड़ी मम्मी लोग के पास। यहाँ से हमको दिख रही है कि बाहर में बैठा हुए हैं दोनों लोग और शाम का नज़ारा ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। तो हम लोग पहुँचते हैं, और रोड भी बहुत ही इधर अभी बना नहीं है, तो थोड़ा सा संभल के जाना पड़ रहा है। हाँ, हम लोग पहुँच रहे हैं, हम लोग पहुँच रहे हैं। चेरी भी पहुँच रही है, देखो 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 कौन कौन बैठा हुआ है, देखो हम लोग पहुँच गए। बड़ी नानी के पास। पहुंच गई ना बेटू, नानी पास पहुंच गई, बड़ी नानी पास है ना। तो गाइस कल बहुत ज्यादा ही लेट हो गया था, कल हम लोग डॉक्टर को दिखा ही नहीं पाए थे, और हम लोग डॉक्टर को दिखाते तो हम लोग 9-10 बज जाता, तो उसकी वजह से हम लोग कल दिखा नहीं पाए। तो हम लोग आज दिखाने के लिए डॉक्टर को जा रहे हैं, और देखते हैं आज डॉक्टर हम लोग से मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो आज हम लोग को फिर कहीं आज लेट ना हो जाए, तो चलिए जल्दी चलते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर को दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, बट डॉक्टर अभी तक नहीं बैठे। हम लोग इतना जल्दबाजी में आए ना, एकदम हड़बड़ हड़बड़ इतनी स्पीड में भी, कि लेट ना हो जाए बोल के, बट डॉक्टर अभी तक बैठे नहीं है। बहुत लोग अभी लाइन में भी लगे हुए हैं, तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं डॉक्टर आएंगे दिखाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्योंकि गाइस पैर का बहुत ही हालत ख़राब है मेरा, बहुत दर्द हो रहा है, एकदम चल रहे हैं ना तो चल भी नहीं पा रहे, दर्द ज़्यादा ही बढ़ जा रहा है। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं,